नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृता नाम में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहदय स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक बुक के विषय में बताऊँगा जो आयुर्वेद में आज के समय में बहुत ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ज़्यादा आपको आयुर्वेद का काफ़ी हद तक नॉलेज देती है। दोस्तों, हमने बहुत सारी किताबें आयुर्वेद की पढ़ी, हर किताब में खास तौर से हम आयुर्वेद में क्या किताब उठाते हैं, हम या तो इसकी चिकित्सा की किताब उठाते हैं या हम किसी प्लांट के बारे में कि भाई फलाना प्लांट है, हमें उसके बारे में जानना है, हम उसके अगर हमने देखा भी नहीं तो हम प्लांट की दिखता कैसे है, आखिर उसके गुण क्या हैं। सपोज जैसे अनार है, अनार के गुण क्या हैं, क्या गुणधर्म है, कैसे वो मेडिसिनल काम कर सकता है, या फिर काली मिर्च है आपका वो कैसे मेडिसिनल रूप में काम कर सकता है। तो इस विषय पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं अच्छे से। वैसे शास्त्रों में बहुत सारी द्रव्य गुण जैसी किताबों का बहुत वर्णन है और बहुत सारे अच्छे से वर्णन, अच्छे अच्छे श्लोकों का संग्रह है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, आयुर्वेद का छात्र हो या फिर कोई वैद्य हो वो उन किताबों को पढ़ सकता है, लेकिन जन सामान्य तक वो किताबें नहीं पहुंचती या वो जन सामान्य तक वो बातें नहीं पहुंच पाती क्योंकि उसकी भाषा क्लिष्ट होती है। हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते कि भाई वात पित्त कफ क्या है, रस औषधियाँ क्या हैं, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते। और बहुत सारी जैसे उसमें लिखा कोई शब्द आया वेदना स्थापन क्या शब्द है, इसका अर्थ भी हम नहीं समझ पाते। तो इसलिए एक आसान भाषा में एक ऐसी किताब का एक आज की डेट में उद्भव हुआ है जो आप लोगों के लिए उपयोगी है, वैद्यों की दृष्टि से भी और छात्रों की दृष्टि से भी जो आयुर्वेद का अध्ययन कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि से भी जो आयुर्वेद में अध्ययन करने के शौकीन हैं, उन लोगों की दृष्टि से भी इस बुक को बनाया गया है ताकि उन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके, ताकि वो भी जान सके कि गिलोय का उपयोग किस मेडिसिन में किया जाता है, गिलोय का उपयोग हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी भी मेडिसिन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी औषधि है जो आपको हर जगह पेड़ पौधे लगे रहते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होगी, इसी तरह से इस बुक का उद्गम किया गया। दोस्तों, उस बुक का नाम है आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य, ये पतंजलि की किताब है, बहुत अच्छी किताब है ये किताब 3 वॉल्यूम में है, फर्स्ट वॉल्यूम ये मेरे पास, दूसरा है इसका सेकंड वॉल्यूम, उसके बाद इसका मेरे पास है ये, उसके बाद ये मेरे पास है ये थर्ड वॉल्यूम। तो ये बाबा रामदेव द्वारा ये किताब लिखी गई है, आचार्य बालकृष्ण महाराज जी ने किताब को उद्धृत किया है, इस किताब का बड़े फोटोग्राफी जो प्रॉपर की है उन्होंने इस किताब को लिखा है, आप देख सकते हैं। इस किताब की खूबियां क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस किताब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक तो इसमें सबसे अच्छे फोटोग्राफ्स सहित हमको, जैसे सपोज ये है आपका, जैसे कि आपका आर्थगल, अब आर्थगल के बारे में लोग क्या जानते हैं कि आर्थगल कौन सा पौधा है, लेकिन कैसा दिखता है ये उन्होंने फोटोग्राफ्स में बताया है, और इसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन डाला है कि पूरे कैसे किसके गुण हैं, कैसे परिभाषा है, उसके बाद उन्होंने इसके बॉटनिकल नेम, फिर उसके शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं, विमर्श कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि श्लोक के रेफरेंस डाले हैं इन्होंने हर किताब से, ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस किताब में लगी, गलतियाँ लगभग ना के बराबर हैं इस किताब को पढ़ने पर लगता है, कहीं कहीं छोटी मोटी गलतियाँ हैं लेकिन उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बाकी सब आपको ज्ञान दे रहा है ये किताब, तो इसमें ज़्यादा इसको इग्नोर कीजिए, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें इसके अंदर बहुत सही हैं और सटीक तरीके से आचार्य बालकृष्ण महाराज जी ने इसको लिखा है। और जैसे कि आप इस देख सकते हैं आगे और ही बताता हूँ, जैसे एक बड़ी कटेरी है, इसको बृहती कहते हैं, आपको हर जगह मिलती है, हर जगह आपको बड़ी कटेरी के पेड़ पौधे आपके पौधे मिल जाएंगे, हर जगह बिछी रहती है। तो आप इसको देखें कि किस तरह की दिखती है, आपको प्रॉपर फोटोग्राफ दिया हुआ उसमें, फिर उसके क्या रासायनिक गुण हैं, संगठन हैं, फिर उसके आयुर्वेदिक गुण कर्म प्रभाव क्या क्या होते हैं उसके, फिर औषधियों की मात्रा, उसमें कितनी मात्रा लेनी चाहिए, क्या उसका उपयोग करना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इस किताब के अंदर दिया गया है। और भी बहुत कुछ है इस किताब के अंदर, खदेर है बहुत है, आपके अलग अलग बॉटनिकल नेम के लिए पीछे से उन्होंने ये जो आप कोई मेडिसिन ढूंढनी है तो उसके लिए पूरी एक लिस्ट भी यहाँ दी हुई है विथ पेज नंबर, आप उसको बॉटनिकल नेम से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये किताब के डिस्क्रिप्शन में भी बहुत ये विषय सूची बना कर रखी है, आप कोई मेडिसिन हिंदी में कोई मेडिसिन ढूंढें तो विषय सूची में आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कॉस्ट इसकी ज़्यादा थी, मैंने 700 रुपीज़ में एक बुक ली थी, इसके 3 भाग हैं, अलग अलग रेट के हैं,
तीनों लगभग लगभग 700 के हैं और आज की डेट में थोड़ी सी महंगी है ये, तो आराम से उपलब्ध है, मार्केट में आराम से मिल जाती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसको और खूबियाँ बताऊँ, इसके सेकंड पार्ट में भी कुछ अलग खूबी है। इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो वही सेम चीज़ इसके सेकंड पार्ट में भी है, वही जैसे दूब है। अब दूरबा आपको हर जगह मिलती है, ये दूरबा है आपको हर जगह मिलती है, फोटोग्राफ भी दिया हुआ है इन्हें। उसके अलावा इनके गुण, इसके कितने कितने पर्याय हैं जो अलग अलग मिलता है, कि ये कैसे काम करती है, नस्य पे बहुत का नाक पे आप इसका दूरबा का कभी स्वरस डालते हैं तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, इस तरह का वर्णन इसमें मिलता है। और दूरबा के कितने कितने प्रयोग अपन कर सकते हैं, दूरबा की कितनी औषधि बड़ी औषधि है, इसके विषय में पूरी जानकारी है। देखिए आप, पूरा पेज भरा हुआ है और पूरी पूरी ऑथेंटिक शास्त्रोक्त जो भी बातें हैं उसमें डाली हैं, बहुत रिसर्च करके उन्होंने इस किताब को बनाया। और विथ श्लोक विथ रेफरेंस इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं और इसके क्या क्या उपयोग करते हैं, क्या क्या इसके कौन से पार्ट अपन लेते हैं, दूरबा को किस तरह उपयोग करते हैं वो भी याद दिया हुआ है, और कितनी मात्रा में इसका अपन नस्य लेते हैं, कितनी मात्रा में इसका हम उपयोग करते हैं, सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और ये तो मैं आपको कुछ मेडिसिन बता रहा हूँ, सारी लगभग मेडिसिन है। थर्ड पार्ट में भी यही चीज़ है, आप थर्ड पार्ट भी दिखा देता हूँ आपको, ये थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में भी यही सब चीज़ें दी हुई हैं, हर औषधि के विशेष गुण धर्म हर चीज़ दी हुई है। तो वास्तव में पतंजलि ने, इस पतंजलि चिकित्सालय ने, पतंजलि वालों ने इस पर बहुत सारा काम किया है और बहुत रिसर्च करके ये बुक निकाली है। मुझे पतंजलि की लगभग सारी बुकें पसंद हैं, कुछ कुछ बुक मैंने पर्सनली खरीदी हैं, योग के ऊपर तो उनकी किताबें बहुत आती हैं, लेकिन आयुर्वेद के ऊपर जो सबसे अच्छी मुझे किताब लगी वो यही लगी, क्योंकि आयुर्वेद तो ने वास्तव में काम किया। इसके अलावा एक पतंजलि की किताब और आती है, उसका रिव्यू मैं अगली बार करूँगा, वो एक अपने शरीर की क्रिया से संबंधित है, शरीर के शरीर में जो क्रियाएं चलती हैं उसके बाद पे कफ जो फंडा है आयुर्वेद का, बेसिक फंडा जो हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, वो सब चीज़ें उस किताब में मौजूद हैं। तो वो उस किताब का रिव्यू मैं अगले वीडियो में ज़रूर कर दूंगा। तो दोस्तों ये किताब आप पढ़िए, समझिए, क्योंकि ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, जन सामान्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद पर पतंजलि ने एक बहुत बड़ा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि आयुर्वेद को वास्तव में अगर उठाने का काम किया, आयुर्वेद को जन सामान्य तक पहुंचाने का काम जिसने किया है वो सिर्फ और सिर्फ पतंजलि है, इसमें कोई भी शक नहीं है आज के समय में। हालांकि मैं उनको भी इग्नोर नहीं कर सकता, जैसे डाबर हुआ, झंडू हुआ, ये कंपनियाँ बहुत वास्तव में ये भी बहुत अच्छी, जिन्होंने आयुर्वेद को जिंदा रखा, आयुर्वेद की हमारी भारतीय पद्धति को जिंदा रखा, और आज इस कोरोना काल में आज सबसे ज़्यादा आयुर्वेद ही हमारे जीवन का लक्ष्य बना, हमारे जीवन को आगे ले जाने का प्रयास बना, खासतौर से भारत में, और भारत के ही, भारत के अलावा बाहर भी हमारे आयुर्वेद का उपयोग किया जा रहा है। तो उसी आधार पर इन किताबों को आपको मंगाना चाहिए। कई लोग कमेंट में पूछते हैं हमको कौन सी किताब पढ़ना चाहिए, मैं कई किताब बताता हूँ, लेकिन अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर वास्तव में वो जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये किताब ज़रूर मंगाएं, पढ़ें। सिंपल है, सरल है, कोई व्यक्ति इसको पढ़ सकता है, कोई कठिनाई नहीं होगी, उसकी शब्दावली बहुत सिंपल सरल है। तो दोस्तों इसी साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, अगली बार फिर मैं कोई ना कोई किताब या कोई ना कोई बुक लेके या कोई ना कोई मेडिसिन लेके या फिर किसी ना किसी प्रयोग को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।